second part of the poem, that love hath not attained the highest degree. I have already told you about the shadows. Two shadows were there, and trodden after it, they will become convert into one, and everything is clear in front of others, lover and beloved. Now, that love hath not attained the highest degree, which is still diligent lest others see. Accept our loves at this noon stay. Now, the poet is saying, that love, which love? Which love is described here? That love, it means the love which is between lover and beloved, hath not attained the highest degree. It is not attained the highest degree. Okay? It is in the midtime, just as the poet is saying here. And afternoon, in noon time, when the sun is above our head, so after it, now the poet is saying that love hath not attained the highest degree. And now is the period, time period, when love is not at the highest degree. Which is still diligent, lest others see. It means they are busy to see each other till now, and accept our love at this noon stay. It means if our love will not stay in the noon time, that it cannot be increased, it cannot be go into evening time and night time. It means it may be not success. यानी कहने का मतलब ये है, जब तक वो highest degree पर नहीं पहुंचता लव, तब तक real में वो लव नहीं होता. क्योंकि जब तक वो हाईएस्ट डिग्री पर नहीं पहुंचेगा, यानी हर तपन को बर्दाश्त नहीं करेगा, तब तक वो हाईएस्ट डिग्री पर नहीं पहुंचेगा. एंड विच इज स्टिल डिलिजेंट लेस्ट इज लेस्ट अदर सी, यानी अब तक लोग उसको सीएल देखेंगे. ठीक है. एंड एक्सेप्ट आवर लव्स एट दिस न्यू स्टेज. नेक्स्ट, we shall new shadows make the other way, as the first one made to blind, and others these which come behind. Ma'am, diligent work upon ourselves and blind our eyes if our loves faint and westwardly decline. Now the poet is saying here, we shall new shadows form, yani new shadows make the other way. मैम डिलीजेंट लिस्ट का मतलब क्या था पिछले वाले पैरा में? डिलीजेंट, हाँ, विच इज स्टिल डिलीजेंट लेस्ट अदर्स सी. इट मीन्स इट इज वर्किंग नाउ टिल नाउ. इट मीन्स ये अभी तक चल रहा है, समझ रहे हैं? अभी तक वो लव जो है डिलीजेंट है, वर्किंग है. एंड लेस्ट अदर्स सी, जैसा कि लोग देखते हैं. ठीक है, क्लियर हो गया गीतेश? यस मैम. हाँ, अभी क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, नेक्स्ट. वी सर न्यू शैडोज मेक द अदर वे एज द फर्स्ट वन मेड टू ब्लाइंड. यानी कि अब हम दूसरी शैडोज को फॉर्म करते हैं एज द फर्स्ट वन मेड टू ब्लाइंड. यानी जो सबसे पहले हम एक दूसरे से मिले थे तो कैसे हो गए थे? एकदम ब्लाइंड थे. हमें किसी की वीकनेसेस और अच्छाइयां और बुराइयां कुछ भी दिखाई नहीं देती थी. लेकिन दीज विच कम बिहाइंड, और उसके बाद बिहाइंड नहीं, इसके बाद में सारी चीजें क्लियर हो गई. और अगर हमारा लव तब भी स्थिर है, यानी हम एक दूसरे के बारे में जो कुछ भी बोलते हैं उसके बावजूद भी हमारा लव जो है, अगर वो पूरी तरह से क्लियर है, मतलब कि फिर भी हमारे हम दोनों के बीच में अंतर
उन दोनों लवर और बिलवड के बीच में अगर अब भी प्रेम है, देन विल वर्क अपॉन आवर सेल्स एंड ब्लाइंड आवर आईज इफ आवर लव्स फेंट एंड वेस्ट वर्डली डिक्लाइन। तो इसमें क्या कह रहा है पोएट, विल वर्क अपॉन आवर सेल्स, हम अपने आप पर वर्क करेंगे, इट मीन्स हम एक दूसरे के लिए जिएंगे और उन पर उनके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे, एंड ब्लाइंड आवर आईज और अपनी आंखों को अंधा करेंगे, मीन्स हम उस पर ब्लाइंड फैट करेंगे जिससे हम लव करेंगे। ओके, इफ आवर लव फेंट, अगर हमारा लव कमजोर हो जाता है, फेंट हो जाता है, खत्म हो जाता है, एंड वेस्ट वर्डली डिक्लाइन, और ये वेस्ट साइड पर जाते हुए डिक्लाइन हो जाता है, जैसे सन किधर से राइज होता है, ईस्ट साइड से, और वेस्ट साइड में क्या होता है, डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह का लव बताया है पोइट ने, टू मी दाउ फॉल्सली दाइन एंड आई लव टू दी माइन एक्शन सेल्फ डिस्गाइज द मॉर्निंग शेडोज वर अबे बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे बट ओ लव्स डे इज शॉर्ट इफ लव डिके। लव इज अ ग्रोइंग ऑफ फुल कॉन्स्टेंट लाइट एंड इज फर्स्ट मिनट आफ्टर नो इज नाइट। नाउ द पोएट इज सेइंग हियर टू मी थाउ फॉल्सली दाइन, यानी मेरे लिए यह चीज फॉल्स है। अब देखिए कहने का मतलब ये, उसकी प्रेमिका ने उसको डिसीव कर दिया था, तो दैट इज व्हाई ही इज राइटिंग हियर टू मी थाउ फॉल्सली दाइन एंड आई टू दी माइन एक्शन सेल डिस्गाइज, और मैं अपने एक्शंस को, झूठे एक्शंस को अगर डिस्गाइज कर लेता हूँ, छिपा लेता हूँ, या सामने वाला अपने झूठे एक्शंस को दिखाता है आपके सामने, झूठा लव एक्सप्रेस करता है और बाकी के एक्शंस वो डिस्गाइज कर लेता है, छिपा लेता है, तब ये क्या है, लव में डिसीव करना है। यानी अगर हम किसी पर, वो कहना चाहता है, अगर हम किसी पर ब्लाइंड फेथ करते हैं, हम उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसके बावजूद भी वो हमसे प्यार का केवल दिखावा करता है और मतलब झूठा प्यार दिखाता है वो, तो हमारे एंड आई टू दी माइंड एक्शंस आर डिस्गाइज, और मैं अपने एक्शंस को क्या करता हूँ, डिस्गाइज कर लेता हूँ, या वो सामने वाला अपने एक्शंस को डिस्गाइज कर लेता है, छिपा लेता है। अब उसके बाद क्या होता है, द मॉर्निंग शैडोज वर अबे बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, जो मॉर्निंग शैडोज होती हैं, वो क्या होती हैं, कैसी होती हैं, लॉन्गर ऑल द डे, पूरे दिन बड़ी होती रहती हैं। कौन सी शैडोज, मॉर्निंग शैडोज, ठीक है, सुबह की जो छाया है वर अबे वो दूर चली जाती है, एंड बट दीज ग्रो लॉन्गर ऑल द डे, ये सारी छाया जो है वो पूरे दिन क्या होती रहती है, लंबी होती रहती है, मतलब विकसित होती रहती है आगे। बट ओ लव डे इज शॉर्ट इफ लव डिके, लेकिन लव के डे जो है वो कैसे है, शॉर्ट है, छोटे हैं, इफ लव डिके, अगर अगर प्रेम रहता है तो डे जो है वो शॉर्ट होते हैं, और इफ लव डिके, अगर लव डिके हो जाता है तो यही दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं, यानी बहुत लंबे हो जाते हैं। ये पोएट यहाँ पर यूज करना चाह रहा है, लव इज ए ग्रोइंग और फुल कॉन्स्टेंट लाइट, लव जब ग्रो करता है या फिर फुल कॉन्स्टेंट लाइट प्रोवाइड कराता है, ठीक है, एंड हिज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून इज नाइट, तो उसका पहला मिनट आफ्टरनून होता है और नेक्स्ट होता है नाइट। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको डिसीव मिलता है लव में, जैसा कि उस पोएट को मिला था डिसीव, तो इसका मतलब क्या है कि लव इज ग्रोइंग और फुल कॉन्स्टेंट लाइट दिखाई देती है, लेकिन एंड इज फर्स्ट मिनट आफ्टरनून इज नाइट, और उसके फर्स्ट स्टार्टिंग के समय में आफ्टरनून होता है एंड इज नाइट, और उसके बाद उसके लव का डिके हो जाता है और उसके लव की नाइट आ जाती है, इट मीन्स सेपरेशन हो जाता है दोनों के बीच में। इज इट क्लियर टू यू, हेलो स्टूडेंट्स? यस मैम। ओके, तो एक आपका जो फिल इन द ब्लैंक्स है,
इनमें से लव इज ग्रोइंग आर फुल कॉन्स्टेंट लाइट, ये देख लेना मे बी। और एक वेस्ट वर्डली वाला वो मिल सकता है, एंड आई टू दी माइंड एक्शंस सेल्फ डिस्गाइज, ये वर्ड्स। और क्वेश्चन आंसर में आपका क्वेश्चंस एक भी नहीं लिखा है क्या मैंने अभी? एक भी क्वेश्चंस नहीं, अभी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लिखाए थे क्या स्टार्टिंग में? दिस गाइस डिड, ये वाला देख लेना यहां से। ये तीन क्वेश्चंस आपको लिख दिए मैंने, इज इट क्लियर टू यू? फर्स्ट, व्हाट डज पोएट वांट टू टेल हिज बिलव्ड? टेल मी आंसर इमीडिएटली। गीतेश, व्हाट डज पोएट वांट टू टेल हिज बिलव्ड? दैट ही लव्स हिम, दैट ही लव्स हर। यू वांट टू टेल हिम अबाउट द फिलोसफी फिलोसफी ऑफ लव। हाँ, when does the sun above our head? बताइए किस टाइम पर सन हमारे सिर के ऊपर होता है? कौन टेल? फिर क्या करोगे मैम? जब शेडोज, हमारा जो हमारे सिर के शेडोज ऊपर जो फॉर्म है, किस टाइम पर होता है सिर के ऊपर सन? नून में, आफ्टर यस, नून टाइम। ठीक है, विच लव कैन नॉट बी हाईएस्ट डिग्री, कैन नॉट बी इन द हाई इन द हाईएस्ट डिग्री? कौन सा लव हाईएस्ट डिग्री में नहीं हो सकता? बताइए कौन सा लव हाईएस्ट डिग्री में नहीं हो सकता? विच वेस्ट वर्डली डिक्लाइन when it fends and westwardly decline? What does westwardly decline? क्या चीज westwardly decline होती है? वेस्ट साइड में क्या चीज डिक्लाइन होती है? आपको बता दिया ये भी? सन। सन। इन द सेम मैनर द पोएट इज यूजिंग हियर सिंबलिज्म दैट इफ द लव विल बी विल कैन नॉट बी इन हाईएस्ट डिग्री देन इट विल बी डिक्लाइन इन वेस्ट साइड। ठीक है, नेक्स्ट।
पूरे दिन क्या फॉर्म्ड होता है? What is formed all day? क्या चीज फॉर्म्ड होती है पूरे दिन? जल्दी बताइए। कोई भी चीज समझ में तो आती नहीं है। शैडोज, शैडोज आर फॉर्म्ड ऑल डे, ऑल द डे। हाउ डू द शैडो बिफोर नून डिफर फ्रॉम द शैडो आफ्टर नून? बताइए। हाउ डू द शैडोज आफ्टर नून बिफोर नून डिफर फ्रॉम द शैडोज आफ्टर नून? आफ्टर नून की शैडोज कैसी होती है? लॉन्ग और पहले शॉर्ट। लव इज डिस्क्राइब्ड एज लाइट, व्हाट मेक्स द पोएट टॉक अबाउट शैडोज? द पोएट टॉक अबाउट द शैडोज बिकॉज ऑफ लव इज जस्ट लाइक द लाइट एंड इट फेल अपॉन द फेलोज एंड इट मेक द शैडोज। कमेंट ऑन द यूज ऑफ द इमेज ऑफ द शैडोज फॉर द आइडिया दैट बी दैट द पोएट वॉन्ट्स टू कन्वे। बाय फॉर्मिंग द इमेज ऑफ द शैडो द पोएट वॉन्ट्स टू कमेंट अपॉन द फिलोसफी ऑफ लव एंड ही वॉन्ट्स टू कन्वे दैट लव इज वेरी लव इज ऑल्सो इन द फर्स्ट मॉर्निंग आवर्स, इट मीन्स इन स्टार्टिंग आवर्स एंड आफ्टर स्टार्टिंग मंथ एंड आफ्टर मिड टाइम एंड आफ्टर नाइट। इट मीन्स इफ द लव विल बी फॉर एवर देन इट विल बी कॉन्स्टेंट एंड इट विल बी नॉट एंड एंड इट विल बी इन अ हाइएस्ट डिग्री, इन द हाइएस्ट डिग्री। ये बताया गया है इस पोयम में। What is the message he wishes to convey to her? He want to this is the message to convey her. He wishes to convey her the message about the philosophy of love. ठीक है? Then I will give you in written question answer. Okay, students. Now I want to close. Thank you. Have a nice day, all of you.